बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं इनायतुल काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। जैसा कि आपके इल्म में है कि कोरोना की वबा ने लैया को भी अपने हिसार में ले लिया था और लैया का नवाही कस्बा कोटला हरीशाह सबसे पहले उसका निशाना बना और वहां से एक सादात फैमिली के 10 अफराद का केस मंजर आम पर आया, मस्बत रिजल्ट आ गया जिसकी बुनियाद पे पूरे कोटला हाजी शाह को क्वारंटाइन कर दिया गया, हसार में ले लिया गया और वहां के इलाके को सील कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। फौरी तौर पर इंतजामिया मुतहरक हुई, समाजी तंजीमें उठ खड़ी हुई और एक हसारी पिकट का मुतालबा होने लगा। क्वारंटाइन के ऐलान के बाद, पूरे इलाके को सील करने के बाद 76 लोगों के नमूने हासिल किए गए। उनमें से कितने नमूने पॉजिटिव आए, कितने नमूने मनफी आए, अब ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, आज का हमारा मौजू इसी हवाले से है। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जाने बढ़े, आपसे इस तरह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि इलाके के लोगों को पता चले कि इस वक्त ताजा तरीन कोटला हाजी शाह की सूरत हाल है क्या। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानब। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि इस वक्त जिला लैया का नवाही कस्बा कोटला हाजी शाह सील हो चुका है, लॉक हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर लैया ने फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन के बाद पुलिस को वहां पर डिप्यूट कर दिया गया और इस वक्त वहां पर पिकट लगी हुई है और पिकट अपना काम कर रही है। अब तक 86 अफराद के टेस्ट किए गए, यानी 86 अफराद के नमूने लिए गए जिनके टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत आने पर 10 अफराद डिक्लेयर हुए कि ये कोरोना के पेशेंट हैं और उसके बाद क्वारंटाइन होने के बाद आज तक 76 लोगों के टेस्ट लिए गए। 76 लोगों में से कितने लोगों के मस्बत आए, ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लैया के लोगों के लिए खुशखबरी है, खुद कोटला हाजी शाह के लोगों के लिए खुशखबरी है और वो खुशखबरी ये है कि 76 लोगों के क्वारंटाइन होने के बाद नमूने हासिल किए गए, वो नमूने लेबॉरेटरी में भिजवाए गए, रिजल्ट उनके आ चुके हैं और 76 में से कितने पॉजिटिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी पॉजिटिव नहीं आया, सारे के सारे नेगेटिव डिक्लेयर हो चुके हैं। इसी खुशी में आज आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़िला लैया के आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोटला हाजी शाह के जो मज़ीद 76 लोगों के टेस्ट लिए गए वो सारे के सारे नेगेटिव आ चुके हैं। वहाँ के मस्जिद इमाम को भी टेस्ट लिए गए, जो सादात की मस्जिद में अजान देते थे, मौजन थे, नमाज पढ़ाते थे, पेश इमाम थे, उनका भी रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है और वो नेगेटिव है। ये कोटला हाजी शाह समेत गिरदो नवा के इलाकों के लिए, लैया के लिए, खुद लैया ज़िला के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है आज का मौजू तो आपको यकीनन पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो जो डर है, खौफ है कोरोना का, वो फौरी तौर पर ख़त्म हो और लोग रिलीफ महसूस करें कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना ख़त्म हो चुका है। कम अज़ कम ज़िला कोटला हाजी शाह में जो है वो कोरोना की वबा कंट्रोल हो चुकी है, आम नहीं फैला, जिन लोगों को हुआ सो हुआ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।